माँ बगलामुखी धाम, गुलमोहर सिटी, लम्मा पिंड चौक, अड्डा, होशियारपुर रोड में संस्था के प्रधान नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में सावन माह के सोमवार के चलते रुद्र अभिषेक करवाया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत ढंग से पावन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर बाबा गौरी गिरी कामाख्या वाले बाबा खान, विक्रांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश सरदाना, गुरमीत सिंह मिनी, योगराज सिंह मिनी, सोनिया मिनी, पलक मिनी, समीर कपूर, पंडित अविनाश गौतम, पंडित पिंटू शर्मा, अजय कुमार, साहिल और अमन सहित असंख्य भक्तजनों ने हाजिरी लगवाई। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के विच अज ओंकारेश्वर तो जिहड़ा स्वयंभू सिद्ध शिवलिंग है उन्हां दी पूजा अर्चना की गई है और अज दूसरे सोमवार रुद्राभिषेक दूसरा और साथ ही साथ पूजा अर्चना की गई है। विधि विधान तो सारे मंदिर के माँ बगलामुखी धाम के सेवादारा ने तन मन धन तो सेवा करके प्रभु के नाना प्रकार के जलों के नाल और फलों के रस के नाल, दुध, दही, शहद, शक्कर, घ्यो, मक्खन, नाना प्रकार दी औषधियां दे नाल प्रभु का स्नान कराया। उस तो बाद गौमुखी दे नाल जिहड़ा है प्रभु नू रुद्री पाठ होया है और सारे सेवादारा ने यह रल के सारा जिहड़ा भी कार्यक्रम है ये आयोजित किया सीगा। मैं समूह संगत नू जिथे जिथे तक आवाज जाती है या जिहड़े जिहड़े चैनलों के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और वैब चैनलों के थ्रू और साथ ही साथ जिन्हें भी साढ़े दैनिक सवेरा हलचल चैनल है इन्हों के थ्रू जिते तक साड़ी आवाज़ जाती है, असी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि माँ बगलामुखी धाम च हर सोमवार को विशेष रूप रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ परिवार के नाल और साथ ही साथ अपने मित्रगणा के नाल आओ, आके दरबार से नतमस्तक होवो और परमात्मा के चरणों के विच अरदास बेनती करो। इस दे नाल नाल ही मैं दसना चाहना कि 31 जुलाई दिन रविवार को एक विशेष हवन यज्ञ जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ है सवेरे 6 बजे तो 7 बजे तक होएगा। उस तो उपरांत 11 बजे तो माता जी की चौंकी एक विशाल शुरू होएगी जिहड़ा कि हर साल की तरह इस साल भी 56 भोग महामाई बगलामुखी जी लग रहे हैं और 31 जुलाई दिन रविवार को दोपहरे 12 बजे भोग लगनगे। कोई भी माँ भगत उस दे विच भोग लैके आ सकता है, सिर्फ लसन प्याज नहीं वरतना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तुसी मिठा बना के लिया सकते हैं, तुसी नमकीन बना के लिया सकते हैं, जो चीज़ भी तुसी अच्छी तरह सात्विक तौर पर बना सकते घर भी या बाहरों भी लै सकते हैं और लैके आओ। 56 भोग महामाई नूं लगनगे और बड़ा ही मनोरम दृश्य हुंदा है। आप भी आओ और समूह परिवार के नाल एक परिवारिक माहौल है, कार्यक्रम है, आप आओ अपने सारे बच्चों नूं नाल लैके आओ और एक विशाल मालपूड़े लंगर का खीर भी उदन आयोजित किया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी बहुत भव्य प्रोग्राम होएगा और बहुत सारे जिहड़े गायक है अलग अलग वो आके दाती दे दरबार से हाजिरी लगवाएंगे। आप भी आओ अपने समूह संगतां नूं, भाई बंधुआ नूं, रिश्तेदारां नूं, दोस्तां दे नाल आके महामाई दे दरबार से नतमस्तक होवो और अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो। जय माता दी, जय माता। आज श्रावण महीने का दूसरा सोमवार गुलमोहर सिटी बगलामुखी मंदिर से ये आज जो कार्यक्रम चल रहा है और रुद्राभिषेक जो हो रहा है, सब मंदिर के सदस्य और बाहर के आए हुए अणगणित व्यक्ति, मैं सबका आभारी हूँ। कामरू देश कमच्छा से आया हूँ जो कि मैं ज़्यादातर आजकल बंगाल में रहता हूँ और इधर हर साल आता हूँ, लॉकडाउन की वजह से 2 साल नहीं आने पाया और मैं फिर से माँ बगलामुखी के आशीर्वाद मिला फिर आया। सभी भक्तों के बीच में आज भी विराजमान हूँ। मैं आशा करता हूँ जलंधर के निवासियों से कि हर साल की जगह से, जैसे कि आपको मालूम है 31 तारीख को ये 56 प्रकार का भोग गुलमोहर सिटी माइक बगलामुखी जलंधर पुराना होशियारपुर रोड में सभी का आभारी और सब माताएं, बहनें और मेरे पुत्र, मेरे बच्चे जितने भी हैं
वो सब आके अपना अपना सहयोग कर सकते हैं अपने घर से या कैसे भी जो भी करना चाहे। लहसुन प्याज छोड़कर वैष्णव भोग लगाए माता बगला मुखी का। आपकी जो भी काम है दुख दलोदर काट हरण जो भी है आपकी सब मनोकामना इच्छा माँ बगला मुखी पूर्ण करे। जय माँ बगला मुखी।